ये रक्षा सूत्र है, ठीक है, हमारे महिलाओं का जो मंगल सूत्र है जो कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? अपनी मर्जी से तो कोई नहीं रखता भाई साहब, अपनी मर्जी से कौन रख देगा? आप जब तक उनके ऊपर प्रेशर दबाव नहीं बनाएंगे तो अपनी मर्जी से कौन रख देगा? क्या स्कूल कॉलेजों में एग्जाम हॉल में कलावा पहनकर नहीं जा सकते या जनेऊ पहनकर नहीं जा सकते, या फिर एक जो मैरिड लड़की है वो मंगलसूत्र पहन के नहीं जा सकती? उत्तराखंड में 18 जुलाई से 25 जुलाई तक यूके एसएससी की परीक्षा चल रही है। ऐसा ही मामला उत्तराखंड से आया है। उत्तराखंड में यूके एसएससी की परीक्षाओं के दौरान जो हिंदू छात्र छात्राएं थे उनसे चेकिंग के दौरान कलावा जनेऊ और मंगलसूत्र को तोड़वा लिया और ये सब चीजें ये कहकर उतराई गई कि आपके इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनमें मतलब मंगलसूत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकती है या कलाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकती है, मतलब जनेऊ में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकती है, कैसा पॉसिबल है? लेकिन जब ये मामला ना कुछ ज्यादा बड़ा तो वहां पर कुछ हिंदुवादी संगठन पहुंचे और हिंदुवादी संगठनों ने उन आयोग के लोगों से ये पूछा कि क्या मंगलसूत्र के अंदर या जनेऊ के अंदर या कलावे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकती है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया उन लोगों से तो उन लोगों को जवाब देते नहीं बना। आपने अभी देखा वीडियो में उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है, वो उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया वो तो अपनी मर्जी से उतार रहे हैं, कलावा अपनी मर्जी से उतार रहे हैं, जनेऊ अपनी मर्जी से उतार रहे हैं, कि या फिर जो मंगलसूत्र है वो लेडीज अपनी मर्जी से उतार रही है। भाई अगर उनको अपनी मर्जी से उतारना होता तो वो पहले से उतार कर आते ना अपने घर से। और दूसरी बात, जो मैरिड लड़की होती है मतलब जो सनातन धर्म से मैरिड लड़की है वो शादी के बाद ही मंगलसूत्र पहनती है, सबको पता है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए लेकिन वो अपना मंगलसूत्र नहीं उतारती। और ये कहाँ का तर्क है कि भाई मंगलसूत्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाए? मैं हूँ प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं पावर रजिस्टर। दोस्तों ये जो मामला है ये उत्तराखंड से आया। उत्तराखंड में 18 जुलाई से 25 जुलाई तक यूके एसएससी की परीक्षाएं कराई गई। इन परीक्षाओं के अंतर्गत जो भी कोई स्टूडेंट आता है तो पहले एक प्रोसीजर होता है कि उनकी तलाशी ली जाए ताकि चेकिंग होती है कि ताकि वो कोई नकल वगैरह ना रखे। यहाँ तक कि जो इस आयोग के नियम हैं उनमें ये भी कहा गया है कि जो परीक्षार्थी हैं वो अपना पेन भी अपने साथ लेकर नहीं आएंगे, आयोग परीक्षा हॉल में उनका जो है पेन देगा ताकि नकल ना कर सके। लेकिन इसकी आड़ में वहाँ के जो आयोग के लोग हैं जो चेकिंग करते हैं उन्होंने जो सनातन धर्म के छात्र हैं जो हिंदू छात्र छात्राएं हैं उनके मंगलसूत्र जनेऊ और कलावा ये कहकर उतारवा दिए गई इनके अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से आप ना नकल करेंगे। लेकिन जब ये मामला बहुत ज़्यादा हो गया और कुछ वहाँ हिंदुवादी संगठन पहुँच गए तो हिंदुवादी संगठनों ने उनसे पूछा कि क्या जनेऊ में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकती है या मंगलसूत्र में हो सकती है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये नियम जो है आपके इस परीक्षा में या आयोग के द्वारा ऐसा कोई नियम बनाया गया है तो उन वहाँ जो लोग थे आयोग वाले उनसे ना कुछ बातें कहने को नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रूल भी नहीं था और साफ साफ आयोग के इस परीक्षा के रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है परीक्षा में महिला जो विवाहित महिला है के धार्मिक एवं प्रति आवश्यक आभूषणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के आभूषण पूर्ण रूप से वर्जित है, ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। तो भैया जो उसके महत्वपूर्ण आभूषण है तो उसमें मंगलसूत्र आ गया ना, वो महत्वपूर्ण आभूषण है ना, तो उसके उसके लिए तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो प्रतिबाधित है या अंदर नहीं लेकर जा सकते। और दूसरी बात रही कलावा है तो वो आभूषण में तो आता ही नहीं है या जनेऊ आभूषण में नहीं आता है। और यही नहीं, इन लोगों ने जब उन छात्रों के कलावे और जनेऊ उतारे गए तो उनके जो कलावे थे छात्रों के वो एक डस्टबिन में पड़े हुए थे, मतलब ये देखो कि वो डस्टबिन में डाल दिए गए।
और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो कोई प्रेशर नहीं बनाया, ना ही हमने कुछ कहा, ये तो सब अपनी मर्जी से कर रहे। अब एक बात बताओ, जो छात्र होगा, जो हिंदू छात्र है, उसके हाथ में कला होना, क्या होना कला होता है कि वो डस्टबिन में डालेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये तो आप सभी को पता है। दोस्तों बात ये नहीं है, बात हकीकत कुछ और है। पहला ऐसा मामला नहीं है जो कि सामने आया हो, ऐसे ना बहुत मामले आए हैं। और ये स्कूल और कॉलेजेस और एग्जाम हॉल आपको देखने को मिलेंगे, आप आए दिन सुनते रहते हैं कि भैया टीका लगा लिया तो टीका लगा के नहीं जाना है, या आपने कुछ मंगलसूत्र पहना है या कुंडल पहने हैं या जनेऊ पहना है तो वो नहीं करना। मतलब ये एक सोची समझी जो है ना साजिश है, जो कि सनातन धर्म के विरुद्ध की जा रही है, और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से की जाती है। मतलब किसी भी तरह से सनातन धर्म को, सनातन धर्म के अनुयायियों को, उनको बस नीचा दिखाना, उनको ये साबित करना है कि मतलब सनातन धर्म में पूरी चीज़ें जो डकोसी हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उसको इनको सबको ढकोसला बताना है, सबको बताना है कि सनातन धर्म को नीचा दिखाना है, सनातन धर्म के आस्था के साथ इन लोगों को खिलवाड़ करना है। मतलब आज तुम एक कॉलेज में और परीक्षा हॉल में, स्कूल कॉलेजों में मना कर रहे हो, और कल को मॉल में जाएंगे या कहीं बस में चढ़ेंगे तो आप बोलोगे कि भैया ये मत करो, ये पहनना वर्जित है। मैं आखिर में सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा आपके साथ करता है तो उसका पुरजोर विरोध करो और उससे पूछो कि भाई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने कहाँ किया, और अगर ऐसा होता है तो आप उसकी कंप्लेन करो, सोशल मीडिया पे करो, पुलिस से कंप्लेन करो या किसी अधिकारी से कंप्लेन करो, लेकिन ऐसे किसी भी चीज़ के सामने नहीं झुकना है। ये सब हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।